हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को षट्तिला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी व्रत के साथ साथ भगवान को तिल का भोग लगाना भी जरूरी होता है। इस दिन तिल का दान करने से विशेष फल की प्राप्ति भी होती है। अपने प्रसाद में भी तिल की सामग्री का सेवन जरूर करें। ऐसे में आइए इस वीडियो में जानते हैं कि षट्तिला एकादशी पूजा सामग्री क्या है और क्या है इसकी पूजा विधि। नमस्कार, मैं हूँ सुप्रीति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। एकादशी व्रत पूजा सामग्री में श्री विष्णु जी का चित्र या मूर्ति, फूल, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान आदि। वहीं षट्तिला एकादशी पूजा विधि क्या है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को फूल और तुलसी दल अर्पित करें, अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है बिना तुलसी भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें, भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।